अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुल रहमान एंड आई एम अ केमिस्ट्री टीचर इन ससई चिल्ड्रन एकेडमी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू केमिस्ट्री, सो लेट्स स्टार्ट। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। वी हैव डिस्कस्ड फाइव ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इंक्लूडिंग फिजिकल केमिस्ट्री, analytical chemistry, inorganic chemistry and industrial chemistry. The sixth branch of chemistry is physical chemistry. What is physical chemistry? It is a branch of chemistry that deals with the law and the principles governing the combination of atoms and molecules in a chemical reaction. इससे मुराद क्या है, किसी भी chemical reaction के अंदर atoms आपस में कैसे combine होते हैं और कैसे molecules की formation करते हैं और उन पर कौन से लॉज और कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो अप्लाई हो रहे होते हैं, तो ये सब हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी डील करते हैं, मटेरियल्स की और सिंपली यू कैन से मैटर की, जिसमें हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, लाइक टेम्परेचर हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया और कलर। तो इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री। एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री स्टडीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द केमिकल चेंजेस कॉज्ड बाय द लाइट। द सेवेंथ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज inorganic chemistry. It is a branch of chemistry that deals with the chemistry of elements and their compounds generally obtained from non-living organism or non-living body, that is from minerals. इससे क्या मुराद है, inorganic chemistry के अंदर हम उन elements के बारे में बात करते हैं और उन elements से बने compounds के बारे में बात करते हैं जिनको हम लोग नॉन लिविंग बॉडी से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें आ जाते हैं मिनरल्स। कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास, लाइक हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका फार्मूला H2SO4 होता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसका फार्मूला HCl होता है। इसके अलावा HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये तमाम कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो कि लिविंग बॉडी से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो उनकी स्टडी क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन वो कंपाउंड्स जिनको नॉन लिविंग बॉडी से ऑब्टेन किया जाता है उनकी स्टडी क्या कहलाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। एप्लीकेशंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडीज थिंग्स सच एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ मल्टीपल एटम्स और कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ मिनरल्स, स्टडी ऑफ मेटल्स एंड मोस्ट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो कि कुदरती तौर पर क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। कुदरती तौर पे बहुत सारे मिनरल्स, लाइक बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, इनकी स्टडी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। इसके अलावा मेटल्स और उनकी एक्सट्रैक्शन, मतलब कुदरती तौर पर मेटल जो होता है वो कंबाइन स्टेट में होता है, मतलब किसी और एलिमेंट्स के साथ होता है, तो उसको उस कंबाइन स्टेट से, उस मेटल को कंबाइन स्टेट से सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो कहलाता है मेटलर्जी। तो ये प्रोसेस भी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री।
It is a branch of science that deals with the study of methods and techniques involved to determine the quality and quantity of various components in a given substances. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल को देखते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक गिवन सब्सटेंस है. हमें उसकी क्वालिटी, क्वालिटी से मुराद ये है कि आया कि वो डाइल्यूट है या वो कंसंट्रेटेड है, और उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं. क्वांटिटी से मुराद क्या है कि आया कि वो गिवन सब्सटेंस यानी HCl क्वांटिटी वाइज कितना है. तो इस सब की स्टडी एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है. एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग किसी भी गिवन सब्सटेंस की क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर करते हैं कुछ टेक्निक्स और मेथड्स के ज़रिए. ये सब हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर. एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इंक्लूड्स फॉरेंसिक साइंसेस एंड बायोएनालिटिकल केमिस्ट्री. देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एनालिटिकल साइंसेस इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस और फॉरेंसिक साइंसेस. इससे मुराद ये है कि जो सैंपल्स हमें एविडेंस के तौर पे मिलते हैं किसी भी क्राइम स्पॉट पे, तो उन सैंपल्स की जो एनालिसिस होती है वो उन एविडेंसेस की बुनियाद पे होती है, और ये एनालिसिस जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की बुनियाद पे किया जाता है. इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड एप्लीकेशन है बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें हम लोग बायोलॉजिकल मटेरियल्स की एग्जामिनेशन करते हैं. बायोलॉजिकल मटेरियल की एग्जामिनेशन से मुराद ये है कि सलाइवा की एग्जामिनेशन, यूरिन की, ब्लड की एनालिसिस, ये जो एग्जामिनेशन होता है ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद से किया जाता है. द नाइन्थ एंड द लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस involved in the chemical industries for the manufacturing of synthetic products like glass, cement, paper, etc. Industrial chemistry के अंदर हम लोग उन methods और उन processes के बारे में study करते हैं जो कि chemical substances को बनाने के लिए industries के अंदर use किया जाता है large scale पर. For example, H2SO4 को इंडस्ट्री के अंदर बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पर एक मेथड के ज़रिए प्रिपेयर किया जाता है. उस मेथड का नाम कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस है. उस मेथड के ज़रिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं. इसके अलावा नाइट्रिक एसिड को इंडस्ट्री के अंदर लार्ज स्केल पर जिस मेथड के ज़रिए प्रिपेयर किया जाता है उस मेथड को ऑस्वर्ल्ड प्रोसेस कहा जाता है. तो इन केमिकल सब्सटेंसेस को लाइक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और नाइट्रिक एसिड हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, इन सब्सटेंसेस को बनाने के लिए जो जो मेथड्स और जो जो प्रोसेसेस यूज़ होते हैं उनकी स्टडी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है. एप्लीकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आर फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, सोप and cleaners formation, synthesis of food, synthesis of acids and bases. Important roles of chemistry in our society. Chemistry affects all aspects of our lives. It has important practical application in the society. As we can see in the slide, it provides us a food with the use of fertilizers, insecticides, pesticides, and provides preservatives to store food for a long period of time. It also provides us with cloth making polymers and other synthetic fibers. In the end, it provides us with a number of other materials such as concrete, glass, plastics, fuel and of course medicines. Chemistry एक बहुत अहम role play कर रही है.
इसकी मदद से हम लोग फूड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, फूड के सिंथेसिस कर सकते हैं। कैसे की जा सकती है? बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। इनकी मदद से हम फूड को प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा हम प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करके अपने फूड को स्टोर भी कर सकते हैं एक लंबे अरसे के लिए। सेकंड थिंग इज़ दैट इट प्रोवाइड्स अस विथ क्लोथ मेकिंग पॉलीमर्स। जैसे कि हम लोगों ने पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को पढ़ते हैं जिसमें पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होती है। ये पॉलीमर्स प्लास्टिक बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं और कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो कि क्लोथ मेकिंग के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री हमें मल्टीपल मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, लाइक कॉन्क्रीट हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, फ्यूल हो गया और इसके अलावा बहुत अहम चीज़ मेडिसिन। समरी, हमने डिस्कस किया फिज़िकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें फिज़िक्स के लॉज अप्लाई हो रहे होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसके अलावा हम लोगों ने बात की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जिनको किसी नॉन लिविंग मटेरियल के ज़रिए सिंथेसाइज किया जाता है, लाइक मिनरल्स। बाद हम लोगों ने बात की थी एनालिटिकल केमिस्ट्री की। एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोगों ने क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर किया था विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स। आखिर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं जो कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस या केमिकल मटेरियल्स को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड इन द एंड वी हैव डिस्कस्ड द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर लाइफ।